जनपद आगमन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य उसे रोजगार से जोड़ा जाना है। रोजगार परक शिक्षा हो जिससे विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और उन्हें भटकना ना पड़े। डिप्टी सीएम ने कहा कि नई शिक्षा नीति पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में लोगों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के संबंध में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री का एक अलग ही आकर्षण है। निश्चित ही खाद कारखाना और एम्स के लोकार्पण के बाद क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और किसानों को समय से खाद उपलब्ध हो सकेगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, हमारे साथ हैं इस डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। नई शिक्षा नीति लागू हुई है देश में और नई शिक्षा नीति करके जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, कितना भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए और रोजगार पर शिक्षा हो, यानी विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उसको रोजगार के अवसर के लिए उधर भटकना ना पड़े। और मुझे खुशी है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम भी हम लोग लागू कर रहे हैं। साथ में हमारी ये व्यवस्था है कि जो जैसे फार्मेसी का कोर्स है, नर्सिंग का कोर्स है, कंप्यूटराइजेशन का कोर्स है, इस प्रकार के कोर्सेज हैं जो साथ साथ चलें, जिससे आपत्ति के समय भी और जब जरूरत पड़े उन विद्यार्थियों की आवश्यकता के लिए उनको रोजगार के साथ में हम जोड़ सकें। तो आज पाठ्यक्रम का हमने परिवर्तन भी किया है और नए पाठ्यक्रम तमाम शामिल भी किए गए हैं। नए जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं उनमें भी हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारी प्राथमिकता रोजगार सृजन की है। सर, रैली हुई आज, एक बहुत बड़ी रैली हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आकर्षण है और आज जिस तरह लाखों लाख की भीड़ थी, चारों तरफ आदमी आदमी दिखाई पड़ रहे थे, अभूतपूर्व था, मैं समझता हूँ अद्भुत था। और आज जिस प्रकार 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ थे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी और इन सभी बात के नई शिक्षा नीति में और फर्टिलाइजर उद्घाटन को लेकर के। फर्टिलाइजर के लोकार्पण के बाद निश्चित ही यहाँ पूर्वांचल के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और उनको कोई भी दिक्कत अब नहीं होने पाएगी। गोरखपुर न्यूज़ के लिए अजय श्रीवास्तव।